पाकिस्तान के इंग्लैंड दौरे से आई बड़ी अपडेट। शशांक मनोहर ने छोड़ा आईसीसी चेयरमैन का पद और सॉलिडेरिटी कप 2020 को लेकर क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने करी अपनी नई डेट की घोषणा। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो एक बार फिर से बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज फिर मैं आपको तीन बड़ी अपडेट्स दूंगा आज के दिन की। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा जरूर, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो प्लीज़ डू वॉच इट टिल द एंड और बीच में स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। पहली खबर आ रही है पाकिस्तान के इंग्लैंड दौरे से रिलेटेड, और वो खबर ये है कि जो 6 खिलाड़ी पाकिस्तान के कोविड-19 पॉजिटिव पहले पाए गए थे, लेकिन फिर कल की जो दोबारा जो रिपोर्ट आई है उसमें फिर वो खिलाड़ी नेगेटिव पाए गए हैं। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि जो खिलाड़ी कल की रिपोर्ट में जो वो कोविड-19 नेगेटिव आए हैं, उन्हें इंग्लैंड दौरे पर भेजने का एक बड़ा फैसला लिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और जो 6 खिलाड़ी हैं उनके नाम हैं मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, शताब खान और फ़कर जमान। दोस्तों, पीसीबी ने ये बताया कि इन 6 खिलाड़ी जो हैं वो 3 जुलाई को इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना होंगे, और उनका इंग्लैंड पहुंचने पर दोबारा से कोरोना टेस्ट किया जाएगा, और अगर वो कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आते हैं तो फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और ट्रेनिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो दूसरी खबर मैं आपको देने वाला हूँ वो है आईसीसी चेयरमैनशिप को लेकर। आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है आज, और वो इस्तीफा जो है वो उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने वो दिया है। और उनका कार्यकाल जैसे कि आप सबको पता है कि 2 साल का था, और वो 2 बार इलेक्ट हो चुके थे इस पोस्ट के लिए, लेकिन तीसरी बार भी वो एलिजिबल थे। अगर वो चाहते तो तीसरी बार भी आईसीसी चेयरमैनशिप ले सकते थे, पर उन्होंने इस चेयरमैनशिप को लेने से इनकार किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन नया आईसीसी चेयरमैन बनता है। कई सारे उम्मीदवार उभर के आए, हम लोग के नाम हमारे सामने कई तरीके के नाम आए। पाकिस्तान से एहसान मनी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से भी नाम आया कॉलिन ग्रीव्स का, और भी कई तरीके के नाम है। भारत से भी सौरव गांगुली का नाम चला आईसीसी चेयरमैनशिप को लेकर, पर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है कि कौन जो है वो आईसीसी चेयरमैनशिप का पदभार संभालेगा। अगर मैं शशांक मनोहर की बात करूँ थोड़ी देर के लिए, तो बीसीसीआई उनको जो है वो एंटी बीसीसीआई के तौर पे देखती थी, क्योंकि बीसीसीआई का ये मानना था कि शशांक मनोहर ने बीसीसीआई के लिए कुछ खास काम नहीं किया है एज आईसीसी चेयरमैन। और उन्होंने जो छोटे बोर्ड थे, जैसे कि जो एसोसिएट बोर्ड थे, नेपाल हैं या हांगकांग, इस टाइप के बोर्ड्स को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाया, और कई तरीके के बोर्ड्स को जो है जो कि स्मॉल बोर्ड्स थे जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे उनको ज़्यादा फायदा पहुंचाया, बनस्पत उन बोर्ड्स के जिनके जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे। तो इसलिए बीसीसीआई ये सोचता था कि वो शशांक मनोहर जो है वो एंटी बीसीसीआई हैं। दोस्तों, जो मैं तीसरी खबर आपको देने जा रहा हूँ वो खबर सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे, और सभी क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी दी है क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने बताया है कि जो सॉलिडेरिटी कप, जिसका पहले मुकाबला 27 जून को होने वाला था, अब उसकी उन्होंने नई डेट की अनाउंसमेंट कर दी है, और नई डेट जो है वो है 18 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, 18 जुलाई को हमें सॉलिडेरिटी कप का मैच देखने को मिलेगा, जिसमें हम दक्षिण अफ्रीका के कई क्रिकेट सितारे हमें मैदान में देखने को मिलेंगे। सॉलिडेरिटी कप 2020 को लेकर मैं अपने चैनल पे वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूँ, आप लोग जाकर वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा और वो उसकी टाइमिंग क्या है और वो किस चैनल पर हमें ये मैच देखने को मिलेगा। सारी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में दे रखी है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। जिसको भी डाउट है कि ये मैच किस तरह से होगा और फॉर्मेट के बारे में जिसकी भी जानकारी लेनी है, वो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सॉलिडेरिटी कप, जिसका ओरिजिनल मैच जो है वो 27 जून को खेला जाना था, लेकिन वो कैंसिल और पोस्टपोन होकर जो है वो अब 18 जुलाई को खेला जाएगा। रीज़न उसका ये था कि जो पुराने जो स्पॉन्सर्स थे और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी साउथ अफ्रीका की, उसकी परमिशन नहीं ली थी क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने, इस वजह से जो है वो 27 जून की जगह उन्हें पोस्टपोन करना पड़ा था। लेकिन अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उन्हें इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए परमिशन दे दी है, तो अब क्रिकेट साउथ अफ्रीका जो है ये मैच 18 जुलाई को ऑर्गेनाइज करेगा। दोस्तों, ये थे आज की 3 बड़ी अपडेट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग क्रिकेटिंग इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।